करिए, नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोर है, अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक दे नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपसे एक वादा किया था कि जब भी कोई ये खास मैच हुआ करेगा और उसकी वही डेट हुआ करेगी, मेमोरी हुआ करेगी, तो मैं जरूर आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो पहली बार मैं आपके लिए लेके हाजिर हूँ आज तक के जो हमें बात करें क्रिकेट इतिहास के बेस्ट टेस्ट मैच की। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, कोलकाता टेस्ट 2001 जो खेला गया था 11 से 15 मार्च तक। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 3 मैच की टेस्ट सीरीज थी और हमें ऑस्ट्रेलिया से जीतना बहुत जरूरी था, जो कि सर सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी मूवी में दिखाया था। लेकिन पहला ही मैच हम बहुत बुरी तरीके से हार गए थे और अब बचे दोनों मैच हमें जीतने थे या फिर एक मैच जीत के सीरीज ड्रॉ करनी थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे भी पहले बल्लेबाजी करी और बहुत ही अच्छे 445 रन बोर्ड पे लगाए। हम बात करें तो जस्टिन लैंगर ने बहुत अच्छे 50 प्लस रन बनाए, मैथ्यू हेडन ने बहुत अच्छे 97 रन बनाए, माइकल स्लेटर ने 42 रन बनाए, मार्क वॉ ने 22 रन बनाए और स्टीव वॉ ने बहुत ही अच्छी कप्तानी पारी खेली 110 रन की। हाँ जरूर पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट और शेन वॉन जीरो पे आउट हुए, क्योंकि हरभजन सिंह बने थे ऐसे पहले गेंदबाज जिन्होंने ली थी टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक, यानी ऐसे पहले इंडियन जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली। लेकिन नीचे जैसन गिलेस्पी ने बहुत अच्छे 46 रन बनाए और मैगनाथ ने आप लगा लीजिए 26 रन बनाए और लास्ट की दो विकेटों ने 176 रन बनाए, जो कि कभी भी बहुत बड़ी बात होती है टेस्ट क्रिकेट में। अगर हम बात करें विकेटों की, अगर हम बात करें तो हरभजन सिंह ने 7 विकेटें ली, जहीर खान ने 2 विकेटें ली और कप्तान सौरभ दादा गांगुली ने भी 1 विकेट ली। जवाब में भारत मात्र 174 रन पे ऑल आउट हो गया। कोई भी बल्लेबाज बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाया, चाहे सर सचिन तेंदुलकर की बात करें, राहुल द्रविड़ 25, सौरभ गांगुली 23, ओपनर्स जो हमारे उस टाइम पे थे दास और दूसरे ओपनर भी संदगोपन रमेश, कोई भी बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाया। 20 प्लस स्कोर बने लेकिन कोई बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाया। सिर्फ वीवीएस लक्ष्मणी एक ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 50 रन का आंकड़ा पार करा और अच्छे 59 रन बने। बॉलिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग थी, मैगनाथ ने 4 विकेट लिए। इसके सिवा बात करें गिलेस्पी, शेन वॉन, कैस्पर ब्रिज, तीनों ने 2-2 विकेट लिए। तो फॉलो ऑन दिया गया और 274 रन भारत को और बनाने थे और तब ऐसा लगा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। तो सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी मूवी में दिखाया था, क्योंकि फॉलो ऑन करके बहुत ही कभार ऐसा होता था कि आप जीतेंगे और वो भी आप माइटी ऑस्ट्रेलियंस के सामने जीतेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन एक अच्छी ओपनिंग हुई, हम बात करें रमेश और दास के बीच में, दोनों ने 30 प्लस स्कोर बनाए लेकिन सर सचिन तेंदुलकर ने फिर निराश करा, फिर जल्दी आउट हो गए। फिर सौरभ गांगुली कप्तान आए, उन्होंने अच्छे 48 रन बनाए लेकिन फिर वो भी आउट हो गए। 42 रन तब भारत को और बनाने थे पहले उनकी जो पहली पारी की ऑस्ट्रेलिया की बराबरी करने के लिए, मतलब 232 पे 4 था और उसके बाद उन्हें टारगेट देना था। टारगेट ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 250 रन चलेंगे, 300 प्लस रन देने थे। फिर बैटिंग करने आए सर राहुल बॉल द्रविड़ और साथ देने आए वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण का। तो गांगुली ने बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक ये खेला कि वीवीएस लक्ष्मण को नंबर 3 पे उतारा, मतलब फर्स्ट डाउन, क्योंकि पहली इनिंग वो इतना अच्छा दिखे। और फिर जो दोस्तों हुआ, चौथे दिन 335 रन बने, 90 ओवर्स खेल गए और कोई भी विकेट नहीं गिरी, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। पूरे ऑस्ट्रेलियंस को हम बात करें तो दौड़ा डाला, बेस्ट ऑस्ट्रेलिया की टीम को दौड़ा डाला, दोनों ने बहुत ही अच्छी पारी खेली। राहुल द्रविड़ ने बहुत ही अच्छे 180 रन बनाए, 350 प्लस बॉले खेली, हम बात करें तो 20 प्लस चौके लगाए। और वीवीएस लक्ष्मण ने आज तक की टेस्ट क्रिकेट की बेस्ट पारी खेली, 281 रन बनाए, 44 चौके लगाए और 450 बॉले खेली और फिर 600 रन के बाद भारत की विकेट गिरी, बहुत ही अच्छे 376 रन बनाए, आज तक की वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास की बेस्ट टेस्ट पार्टनरशिप करी जो है। और फिर सौरभ गांगुली ने डिक्लेयर करी इनिंग्स। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की बात करें तो मैगनाथ ने 3 विकेट लिए, गिलेस्पी ने 2 विकेट लिए, शेन वॉन ने 1 विकेट लिए, लेकिन सब ने बहुत रन खाए। अब सौरभ गांगुली ने जो करा वो ये करा कि 77 ओवर ऑस्ट्रेलिया को दिए और 383 रन का टारगेट दिया। लैंगर ने अच्छी फिर पारी खेली 28 रन की, मैथ्यू हेडन बहुत अच्छे दिख रहे थे 63 रन बनाए, इसके सिवा जो दूसरे ओपनर थे स्लेटर उन्होंने 43 रन बनाए, स्टीव वॉन ने भी 24 रन बनाए, लेकिन फिर 3-4 विकेट गिरे। लेकिन मैच कब पलटा, सचिन तेंदुलकर ओवर डालने आए। तो सचिन तेंदुलकर जिन्होंने अब तक इस मैच में ऐसा कुछ खास नहीं किया था वो अब करने वाले थे। सौरभ गांगुली ने उनको बोला जस्ट 1 ओवर फॉर यू मेट और सचिन तेंदुलकर ने कहा लाओ अब मैं करता हूँ काम। तो मैथ्यू हेडन जो सबसे अच्छा उस टाइम पे खेलते थे उन्हें आउट करा, गिलक्रिस्ट को पहली बॉल पे आउट करा और शेन वॉन को भी पहली बॉल पे आउट करा। तो 3 विकेट लेगा एक ही ओवर में और चटका दिया ऑस्ट्रेलिया को। और रिकी पॉन्टिंग तो मानो लाचार हो गए थे हरभजन के सामने, वो भी 0 पे आउट हो गए। इस इनिंग में भी हरभजन ने, हम बात करें, 6 विकेट लिए, सर सचिन तेंदुलकर ने 3 विकेट लिए और इसके सिवा वेंकटपति राजू ने 1 विकेट लिया और ऑस्ट्रेलिया 212 रन पे ऑल आउट हो गया और भारत 171 रन से मैच जीत गया, जो कि तीसरे दिन तक बड़ा डाउन था, चौथे दिन तक बड़ा डाउन।
होता, पांचवें दिन आके मैच जीता और कोलकाता में लाखों लोग मैच देखने आए। तो हरभजन सिंह ने बहुत ही अच्छे पूरे मैच में 13 विकेट लिए, मैन ऑफ द मैच वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण बने जिन्होंने बहुत ही अच्छे 281 रन बनाए, बेस्ट पारी खेली जैसे कि मैंने कहा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की। फॉल ऑन में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी बंदे ने विनिंग पारी खेली हो, ऐसे दो टीमें पहले जीती थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया लेकिन ऐसे कभी नहीं जीती थी और इतनी बढ़िया टीम के सामने नहीं जीती थी। तो बहुत ही अच्छी कप्तानी रही सौरभ गांगुली की, सचिन तेंदुलकर की बॉलिंग बहुत अच्छी रही, पूरा टीम गेम था। इसके बाद जो अगला टेस्ट मैच आना था वो भी भारत ने जीता सर राहुल बोल रवि और सचिन तेंदुलकर की मदद से और गांगुली की कप्तानी की मदद से, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो टेस्ट मैच था ये आज तक के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का बेस्ट मैच था। तो उम्मीद है आप लोगों की जो यादें हैं वो फिर से एक बार ताजा हुई होंगी और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे मैच आगे भी कभी देखने को मिले, हालांकि अब मुश्किल है क्योंकि इतने सारे लेजेंड एक साथ नहीं खेलते, लेकिन फिर भी ऐसे इंस्पायर होकर जैसे गाबा में जब हम जीते थे तो पुजारा राणे ने भी कहा था कि हम जो इंस्पायर हुए थे वो कोलकाता टेस्ट से ही हुए थे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली जल्दी एक और इंस्पायरिंग कहानी का। जय हिंद।